हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं यूनिसन मेकर्स एंड फ्यूरिक। कैसे हो आप लोग? क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इंटरव्यू में बैठोगे तो क्रैक कर जाओगे? सच सच बताना, यहां से पूछो। आपको लगता है कि अभी मेरे अंदर कुछ कमियां हैं? आपको लगता है कि सर मुझे कोई बता देता कि मेरे अंदर भी और क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि सर मेरे रिज्यूम में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कवर लेटर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये मुझे कोई बता दे? या फिर आप इंटरव्यू बार बार देने जा रहे हो, बार बार रिजेक्ट हो रहे हो, ऐसी कई ढेर सारी समस्याएं हैं ना आपके पास। प्रैक्टिकल अप्रोच पूरा का पूरा लेके आ रहा हूं। आप सबको पता है ईटेप्स का कल टेस्ट सीरीज है, मतलब अगर रिटन टेस्ट किसी कंपनी में हुआ तो कैसे निकालोगे, ये कल के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। जिसने भी नहीं ज्वाइन किया है, ये वीडियो है, वॉच करके ज्वाइन कर लो, बहुत लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, अच्छी बात है। अब ईटेप्स के टेस्ट सीरीज चलो रिटन हो गया, बट प्रॉब्लम यह होती है कि आप इंटरव्यू में जाते हो और वहां पर आप खुद को सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हो। आप इन द सेंस बहुत ऐसे लोग होंगे, आपको लगता है मेरी सीवी में मेरी शॉर्टलिस्ट नहीं होती है, कई लोगों को लगता होगा मेरा कवर लेटर में प्रॉब्लम है, कई लोगों को लगता होगा सर पता नहीं क्यों मैं रिजेक्ट हो जाता हूं, कोई बताता ही नहीं मुझे। ये सारे सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाए तो कितना बेहतर होगा। इसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। कैसा साथ देना पड़ेगा? थोड़ा सा आपको यहां से जिगर से खुलना पड़ेगा। आप में से जितने लोगों को लगता है कि यस सर आई एम प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, या फिर जितने लोगों को लगता है कि सर मैं जानना चाहता हूं कि मेरे इंटरव्यू में मुझे छांट क्यों दिया जाता है, मतलब मुझे हटा क्यों दिया जाता है, या फिर ऐसा जिसको लगता है कि सर मुझे कोई बता देता कि मुझे और क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए जिससे कि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकूं अपने इंटरव्यू के लिए, ऐसे जितने भी लोग हैं आप सबके लिए एक सुनहरा ऑफर है। ठीक है, ऑफर ऑनलाइन है, आगे ऑफलाइन का भी प्लान करेंगे मे बी। ऑफर यह है कि मेरा मेल आईडी आपको मैं दे दे रहा हूं, akash.pandey476@gmail.com, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर आपको अपना रिज्यूम भेजना है, रिज्यूम के साथ कवर लेटर भेजना है, और साथ ही साथ किस प्रोफाइल के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस प्रोफाइल का नाम लिखना है। आपको प्रोफाइल नहीं पता तो आप फ्रेशर लिख दीजिए, प्रोफाइल पता है तो प्रॉपर प्रोफाइल लिखिए, एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग सीवी भेजिए, कवर लेटर आपने बनाया है तो वो भेजिए, और पोर्टफोलियो बनाया है तो वो भेजिए। आप लोग सर ये आप क्यों मंगवा रहे हो, क्या आप जॉब देने वाले हो? नहीं, मैं जॉब का इंटरव्यू लेने वाला हूं आपका, जिसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1x1 इंटरव्यू लेंगे। आपको भेज देना है, मैं या फिर मेरी टीम आपको कॉल कर लेंगे और कॉल करके ये कंफर्म कर लेंगे किस टाइम पर ये इंटरव्यू रखा जा सकता है। उस टाइम पर गूगल मीट के थ्रू और भी बहुत ढेर सारे माध्यम है, कोई भी माध्यम से आपका लाइव इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या होगा कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है, आपके जेस्चर्स में प्रॉब्लम है, बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आई कॉन्टेक्ट में प्रॉब्लम है, या फिर एचआर के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, या फिर टेक्निकल इश्यूज है, क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट जज कर सकते हो। अब ये एक साथ नहीं हो सकता गाइस, ये 1x1 होगा, मतलब एक एक करके होगा सबका। तो लगभग जितने लोग हो, जितने लोगों को लगता है कि सर मैं प्रिपेयर हूं, और जितने लोगों को लगता है सर मैं पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो जाता हूं, आइए एक साथ मिलके इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपकी उस वीडियो को अगर कोई और देखेगा तो वो अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट ला लेगा, अगली बार उसको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, अगले का देखेगा तो उसका इंप्रूवमेंट आएगा, अगले का देखेगा तो उसका इंप्रूवमेंट होगा। जितने लोग आप लोग भेजोगे मैक्सिमम लोगों का हम इंटरव्यू, अगर उन्होंने सही तरीके से अपना रिज्यूम भेजा है, सही तरीके से कवर लेटर भेजा है, और सही तरीके से अपनी प्रोफाइल डिफाइन किया हुआ है या फिर फ्रेशर लिखा हुआ है, उन सबका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू आप सभी देख पाओगे, उससे बेनिफिट इतना होगा कि आप सोच नहीं पाओगे कि यार ये मैं गलती करता था इंटरव्यू में। कई लोगों से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्हाट यू सैलरी एक्सपेक्टेशन, अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में, व्हाट यू नो अबाउट अवर कंपनी, इस तरीके के जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अभी कोशिश किया जाए कि कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ जाए, आपके लाइफ में वैल्यू एड होनी चाहिए बस। और ये वैल्यू एड होने का सबसे बढ़िया मेथड है कि आपको प्रैक्टिकली पता चल जाए कि मेरी गलती कहां पर हो रही है। कल के रिटन टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लेना, संडे को 11 बजे ऑन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको 11 बजे ही देना है, आप 2 बजे 3 बजे जब आपको टाइम मिले, आपका खुद का वहां पर लॉगिन है और वहां पर आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ लॉगिन भी मिल जाएगा।
वो तो आपको आपके लिए बेहतर है ही, साथ ही साथ ये जो चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं शायद ये बहुत बेनिफिट करने वाला है। तो जितने लोगों को लगता है कि यस सर आई एम रेडी या फिर यस सर आई वांट टू बिकम रेडी, क्योंकि जब डेफिनेटली सभी लोग रेडी हो, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, आप अपना रिज्यूम शेयर कर दो, अपना ईमेल आईडी शेयर कर दो और उसके बाद मोबाइल नंबर भी दे देना प्लस प्रोफाइल दे देना, तो आपको सेलेक्ट करके उस टाइम पर इंटरव्यू। हाँ एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, उस टाइम पर आपको इंटरनेट सही रखना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये वीडियो कॉलिंग के माध्यम से होगा, लाइक गूगल मीट एंड और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से एचआर प्लस टेक्निकल दोनों राउंड एक साथ लिए जाएंगे। प्लस ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू लेके नमस्ते बोल दिया, नहीं, इंटरव्यू लेने के बाद आपका रिजल्ट भी बताया जाएगा कि आपको क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है और आप कितना परफेक्ट हैं और अभी और कौन कौन से पोर्शन हैं जिस पर काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इससे सबसे अच्छी बात ये कि इसको इस तरीके से देखा जाए कि मेरे माध्यम से कई लोगों का भला होगा, मतलब अगर आप इंटरव्यू दोगे आपका करेक्शन किया जाएगा तो और लोग जो देखेंगे उनका भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि एटलीस्ट 50 से 60 इंटरव्यू कर लिया जाए नेक्स्ट वीक में, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना धीरे धीरे करके करते रहेंगे। आप लोग अपने सीवी आज ही भेज लो akash.pandey@gmail.com डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा और मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा मेरा इनिशिएटिव? मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिकली जितना हो सके उतना हाई लेवल में किया जाए और मैं वही करता हूँ जो कोई नहीं करता है, तो इसलिए शायद ये मेरा एक यूनिक आइडिया हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। मेरे इनिशिएटिव को ढेर सारा प्यार देना, साथ ही साथ यहाँ पर कमेंट करके थोड़ा अप्रिशिएट करोगे, अप्रिशिएट इन द सेंस कि मेरा स्टेप्स कैसा लगा और क्या कर सकते हैं, आप अपने सुझाव जरूर शेयर करना गाइस, तभी कॉन्फिडेंस आता है। प्लस अपने दोस्तों से शेयर करना यार, जो बेचारे परेशान हैं, उनके इंटरव्यू निकल ही नहीं रहे, बार बार इंटरव्यू बैठ रहे, रिजेक्ट हो जा रहे हैं, क्यों भेजो पता चल जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।